खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं। यदि जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया तो वह जीवन नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुंदन एंड आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटेस्ट इंडियन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मदर टेरेसा जी के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। मदर टेरेसा, इनका पूरा नाम अग्नेस गोंजा बोयाजुजी। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया के स्कोपजे में एक साधारण व्यापारी निकोला बोयाजू के घर में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो कि ईसा मसीह को घोर अनुयायी थे। वही जब वे 8 साल की थी तभी उनके पिता निकोला बोयाजू गुजर गए। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी माँ द्रोणा बोयाजू किया करती थी जो कि एक साधारण गृहिणी थी, और मदर टेरेसा पर उनकी माँ के अच्छे संस्कार और शिक्षा का गहरा असर पड़ा था। मदर टेरेसा इनको 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। यह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें गाना भी पसंद था। ऐसा माना जाता है कि जब यह 12 साल की थी तभी इन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी, और 18 साल की उम्र में इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरोड में शामिल होने का फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने आयरलैंड जाकर अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी भाषा सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम से बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। मदर टेरेसा अपने इंस्टीट्यूट की सिस्टर्स के साथ 1929 में भारत के दार्जिलिंग शहर आई, जहां उन्होंने सिस्टर्स के रूप में अपनी पहली धार्मिक प्रतिज्ञा ली, और कुछ दिनों बाद उनको कलकत्ता में एक शिक्षिका के तौर पर भेजा गया। कलकत्ता में सिस्टर लोरेटो ने सेंट मैरी स्कूल की स्थापना की थी जहां मदर टेरेसा गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाती थी। इसी दौरान इनका ध्यान भारत की गरीबी, बीमारी, लाचारी और अज्ञानता पर आ गया, जिसे देखकर उनको बहुत दुख हुआ। वो तब का समय था जब कलकत्ता में अकाल की वजह से बहुत मौतें हो रही थी, जिसे देखकर मदर टेरेसा ने गरीब, असहाय, बीमार और जरूरतमंदों की सेवा करने का मन बना लिया। और फिर साल 1948 में कलकत्ता आकर वे गरीबों, असहाय और बुजुर्गों की देखभाल में जुट गई। वही काफी प्रयास के बाद 7 अक्टूबर 1950 में मदर टेरेसा को समाज के हित में काम करने वाली संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाने की इजाजत दे दी गई। मदर टेरेसा इनका और इनके संस्था का मकसद सिर्फ गरीबों, जरूरतमंदों, बीमार और लाचार लोगों की सहायता कर उनके अंदर जीवन जीने की आस जगाना था। इसके अलावा करुणा की देवी मदर टेरेसा इन्होंने निर्मल हदल और निर्मल शिशु भवन के नाम आश्रम भी खोले थे, जिसका उद्देश्य गरीब और बीमार लोगों का इलाज करना और अनाथ बेघर बच्चों की सहायता करना था। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। मदर टेरेसा बेहद दयालु और निस्वार्थ प्रेम करने वाली महिला थी। वे भारतीय मूल की भले ही नहीं थी, परंतु जब वह भारत आई तो उन्हें यहाँ के लोगों से लगाव हो गया, बहुत प्यार और स्नेह मिला। उन्होंने अपना शेष जीवन भारत में ही बिताने का फैसला किया। मदर टेरेसा से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वे मानवता की मिसाल थी। एक निस्वार्थ माँ की तरह सेवा भाव और देखभाल करने वाली मदर टेरेसा गरीबों की मसीहा, ममतामयी माँ, मदर मैरी और विश्वजननी जैसे अन्य कई नामों से लोग पुकारते थे। वही सामाजिक सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्मश्री और नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला गया। 1983 में 73 वर्ष में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद 1989 में उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और 1991 में उन्हें किडनी और लीवर की परेशानी शुरू हुई। 1997 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पद छोड़ दिया
और फिर 5 सितंबर 1997 में कलकत्ता में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह यह करुणामय आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा बोल गई। अगर जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया तो वह जीवन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी मदर टेरेसा, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।